वड्डी गिनती विच मामले सामने आ रहे ने। केंद्र सरकार जरूर इत्थे फिक्रमंद नजर आ रही है ते कई अहम फैसले जिस तरह दे नाल केंद्र सरकार वल्लों लए जा रहे ने। लगातार मीटिंगां दा दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज तमाम सूबिया दे राजपाल दे नाल भी शाम नूं मीटिंग करनगे। इस तों पहलां हाल ही विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबिया दे मुख मंत्रियां नाल भी मीटिंग कीती सी ते कई अहम फैसले समय समय ते सरकारा वल्लों लए जा रहे ने। हरप्रीत बंदेशा हो जानकारी दे नाल बन गए ने। तां हरप्रीत, एक अहम फैसला केंद्र सरकार वल्लों लिया गया है, दसवीं दी जो बोर्ड प्रीख्या ने उसनूं रद्द कर दिता गया है। अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सिख्या मंत्री नाल मीटिंग कीती, चर्चा तो बाद सरकार दा अहम फैसला। बिल्कुल, जिस तरीके सीबीएसई की परीक्षा जी 4 मई तो शुरू होनी है सर, उसको लेके अच्छ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शिक्षा मंत्री के अलावा जे उच्च शिक्षा अधिकारी सन उन्होंने मुलाकात की, बैठक हुई बकायदा है। उस तो बाद फैसला लिया गया कि जड़िया 12वीं दी परीक्षा ने उन्होंने टाल दिता जाए, क्योंकि लगातार कोविड के जे मामले ने वो बढ़ रहे हैं। 1,84,000 के करीब अज के जे मामले सामने आ रहे हैं। 1 जून एक जी समीक्षा बैठक वो की जाएगी, तो उस तो बाद साफ होगा पेपर ने दोबारा कदों होने ने। विद्यार्थियों तकरीबन 15 दिन का समा दिता जाएगा एग्जाम होने वा नोटिस दे के, फिर उस तो बाद होंगे। लेकिन जाहिर तौर से जिस कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स की बड़ी वड्डी चिंता सी कि बच्चों के नाल की होएगा जेकर वो एग्जाम देने जाते हैं, तो दूसरा ये क्योंकि सेंटर जेकर एक स्कूल तो दूसरे स्कूल पएगा, तो उन्होंने हालातों के बच्चों की सेहत का एक बड़ा खतरा सी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली किया कि जेकर एवं होंगे तो कितने यह ना हो कि कोरोना स्प्रेडर उतों का काम हो जाए, तो उसे देखते हुए मनिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैठक की रमेश पोखरियाल निशंक के नाल, तो उस अलावा जे होर जे अधिकारी मौजूद सन, तो उस बाद फैसला लिया गया कि सीबीएसई के जे एग्जाम ने उन्होंने टाल दिता गया। बिल्कुल हरप्रीत, जिस तरह दसवीं के पेपर रद्द कर दिए गए ने, 12वीं के पेपर जड़े ने मुलतवी कर दिए गए ने। फैसला जरूरी भी सीगा क्योंकि जिस तरह असी देखा भी सीगा कि हाल ही विच जिवें सूबिया दे विच भी स्कूल खुल रहे सीगे, तां वड्डी गिनती विच अध्यापक ते विद्यार्थी पॉजिटिव पाए जा रहे सी। हालांकि पढ़ाई का इत्थे जरूर नुकसान हो रहा है, पर जिस तरह जो देश च हालात बने हुए ने, इस नूं लैके सरकार जरूर फिक्रमंद है। जी बिल्कुल, जिस तरीके दे नाल अजे तक सब कुछ हो रहा है, उस दे विच सब तों अहम चीज रही कि दसवीं के जेडे पेपर ने उन्होंने कैंसल किया गया, तो 12वीं जेडे पेपर ने उन्होंने पोस्टपोन किया गया, तो मनिया जाए कि जेडे दसवीं का जो रिजल्ट होएगा उन्होंने बच्चों के ऑब्जेक्टिव जेडे क्रिएशन होंगे डेवलप किए जाएंगे उसके आधार से होएगा, तो 12वीं के एग्जाम जेडे ने बाद होंगे, तो वो 1 जून में पूरी रिव्यू एक मीटिंग की जाए, उस तो बाद तस्वीर साफ होएगी कि सीबीएसई के एग्जाम 12वीं के कदों कराए जाएंगे, क्योंकि कोरोना की जी दूसरी वेव आई उस थोड़ा खतरा यह नजर आ रहा है। मामले जड़े ने बहुत तेजी में बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के 15 दिन के वास्ते 144 लगा दी गई है, उन्होंने एक तरीके का मिनी लॉकडाउन भी जेकर किया जाए तो शायद गलत नहीं होएगा। जिस तरीके दे नाल कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, अभी जे पेरेंट्स ने उन्होंने सब तो डर यह वे कि बच्चे जेकर स्कूल जाएंगे, जाहिर तौर पर कितना भी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन कर, लेकिन फिर भी बच्चे इकट्ठे रहेंगे, उन्होंने हालातों के बच्चों की सेहत का वड्डा खतरा से, तो उसे देखते हुए मनिया जा रहा है कि अज वड्डा फैसला केंद्र सरकार वालों लिया गया। यह भी मनिया जाए कि शाम जी राज्यपाल के नाल प्रधानमंत्री बैठक कर जा रहे हैं, वो भी कुछ अहम फैसले ले जा सकते हैं। बिल्कुल हरप्रीत, शाम को प्रधानमंत्री गवर्नर के नाल तमाम सूबे के उन्होंने भी मीटिंग कर जा रहे हैं। इस तो पहला सूबे के मुख मंत्रियों के नाल भी प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग की थी, तो जिस तरह के नाल केंद्र सरकार के नाल सूबा सरकारा भी सरगर्म नजर आ रही ने, कई अहम फैसले लाए जा रहे हैं। जिस तरह के नाल हुण प्रीख्यावां नूं 10वीं दी रद्द किया गया, मापे भी मांग कर रहे सन क्योंकि मापे भी चिंतित सन, पर दूजे पासे जे देखा जाए तो पढ़ाई का जरूर इत्थे नुकसान हो रहा है क्योंकि करीब काफी समा हो चुका है कि स्कूल जेडे सीगे वो बंद सीगे, उस तो बाद दोबारा खोले गए, पर जो हालात खराब हुए उस तो बाद एक बार मुड़ तो सरकार ने यह फैसला लिया, तो 10वीं दी जेडी प्रीख्यावां ने बोर्ड दियां उस तो रद्द किया। जी बिल्कुल, सरकार लगातार एक गल कह रही है कि असी हर चीज जी मॉनिटरिंग बहुत नजदीक तो कर रहे हैं। हालांकि यह भी सवाल चुके गए कि कोविड काल के जिस तरीके पंगाल च रैलियां की जा रही, जिस तरीके चुनाव लड़े जा रहे हैं, उससे बड़े बड़े सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर उत्थे कोरोना लैके सरकार गाइडलाइन क्यों नहीं फॉलो करती, लखां हजारों की भीड़ सड़कां दे, तो उत्थे कोरोना लैके सरकार सीरियस क्यों नहीं नजर आती, यह सवाल अजे भी फिलहाल खड़ा नजर आता है। लेकिन यह मनिया जाए कि अज सरकार का जो कदम सीबीएसई के एग्जाम्स को लेकर चुकया गया, इसकी बिल्कुल शलाघा करनी चाहिए है, क्योंकि कितना ना कि सब तो डर ही यह कि छोटे बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे जेकर स्कूल जाएंगे उत्थे उन्होंने कुछ हो जाता, तो उस तो बाद पेरेंट्स में जी दिक्कत आएगी वो वड्डी समस्या आएगी। दूसरी अहम चीज, कई घर के बुजुर्ग जेडे ने वो भी है, जेकर बच्चा बाहरों होकर आता है घर जाके बुजुर्गों को मिलता है, तो उन्होंने बुजुर्गों वास्ते खासी वड्डी एक दिक्कत सामने आ सकती है, वो भी उन्होंने हालातों के जिन्होंने हालातों जो तस्वीर फिलहाल सामने आ रही है,
बिल्कुल डरान वाली ने। कई जगह से बेड अवेलेबल नहीं, कई जगह से एंबुलेंस चार चार पांच पांच घंटे नहीं पहुंच पा रही, वेंटीलेटर नहीं मिल पा रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। उन हालातों के सरकार के इस कदम बिल्कुल जायज बनता है कि इस एग्जाम को कैंसल कर देना, दूसरे को पोस्टपोन कर देना यह वधिया चीज हैगी। लेकिन सब तो अहम चीज है कि जिस तरीके ना सरकार अजे तक हूं इस कदम चुकने शुरू किए ने, सरकार को शायद थोड़ा पहलो जागना चाहिए थी कि इन मामलों के थोड़े कदम जे कड़े कदम चुके जाते कोविड को लेकर, क्योंकि 1,84,000 मामले, 1,70,000 मामले, इन्हों तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेव जी कि खतरनाक तरीके अगे बढ़ रही है। अभी अपने आस पास भी देखिए तो इस तरीके के मामले हम कोरोना के बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस करके लोगों को अपना ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, अपने हाथों का धोने पैणगे, जिहड़ी कोविड की गाइडलाइनस है उन्हों का पालन करना होगा। तो मनिया जाए कि स्कूलों के इन्ना पॉसिबल नहीं आएगा कि बच्चों का सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन कराई जा सके या इन्ने ज्यादा उन्होंने कोविड गाइडलाइनस फॉलो कराया जाए। उससे के चलते मनिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जी शिक्षा मंत्री की जी अब बैठक हुई अपने अफसरों के नाल, उस तो बाद ही यह फैसला लिया गया। बिल्कुल हरप्रीत, अहम फैसला केंद्र सरकार वालों लिया गया। सीबीएसई के 10वीं के इम्तिहान जड़े ने रद्द किए गए हैं, 12वीं के जड़े ने मुलतवी कर दिए गए हैं। 4 मई तो पहला 12वीं के एग्जाम पेपर जड़े से शुरू होने सन, पर हुण मुलतवी कर दिए गए हैं क्योंकि लगातार कोरोना वध रहे, इसको लेकर भारत सरकार वालों अहम फैसला लिया गया है। हरप्रीत, जिस तरह के दूजे देशों के भी कई अजिहे देश ने जिथे पूर्ण तौर पर जरा लॉकडाउन है एक बार मुड़ तो लगाया गया है, तो जरूरी सेवावान को ही राहत दी गई है। हालांकि इसको लेकर भारत के भी जरूर इतने चर्चावां जरूर हो रही ने, कई तरह की खबर भी सामने आ रही ने, लोग भी जरूर इस लैके चिंतित ने कि एक बार मुड़ तो शायद लॉकडाउन ना लगे, पर लोगों को भी यह समझना होगा तो हदायतों की पालना करनी होगी क्योंकि सरकार समय समय से लोगों की सुरक्षा को लेकर ही अहम फैसले ले रही है। देखो बिल्कुल लोगों को अपनी जिम्मेदारी आप समझनी होगी कि जिस तरीके कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उन्होंने लोगों की अपनी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। कोशिश करो जेकर जरूरत ना हो तो घर तो बाहर ना निकलिया जाए, भीड़ भाड़ वाले इलाके तो बचा जाए, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन की जाए। खास तौर पर वो लोग जेड़े लोग बीमार ने, जिन्हों लोगों की तबीयत ठीक नहीं, वो अपना ज्यादा ध्यान रखना। दूसरी अहम चीज, सरकार लगातार कह रही है कि वैक्सीनेशन करवाओ, वैक्सीन वास्ते जाओ, लोकी दवाई लहनगे ता ही इस बीमारी के नाल लड़िया जाना है। ये बिल्कुल जरूरी है कि लोग अपना ध्यान रखन। जिस तरीके दे नाल इलेक्शन दे विच भीड़ देखने को मिल रही है वो जरूर डराने वाली, आखिर सरकार उससे कदम कदों चुकेगी, ये बड़ा वड्डा सवाल लोगों के जहन च है। खास तौर पर उन हालातों में जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जेड़े इलेक्शन हो रहे हैं उन्होंने कोविड गाइडलाइनस का पालन क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन जेकर तुम फुटेज चक के देखो कि भी वीडियोस देखोगे तो हजार लखा की भीड़ कट्ठी जुड़ी हुई नजर आएगी, बिना मास्क तो लोग नजर आएंगे, तो उन हालातों के किवें काम चल पाएगा। पश्चिम बंगाल इलेक्शन चल रहा है, यूपी के पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं, तो उन हालातों के आकर सरकार उत्थे क्यों नहीं कोई खड़ा कदम चकती। दूसरे पासे एग्जाम्स को कैंसल कर देना सब तो वड्डा बच्चों वास्ते ते पेरेंट्स वास्ते भी झटका रहा जा मनिया जाता है कि बच्चे ने सारे साल मेहनत की है, पिछले साल भी तकरीबन यही चीजा हुई तो इस बार भी वही सब चीजा हो रही ने। उन हालातों के शायद पेरेंट्स नू या ये कहा जाए कि समाज नू ये सोचना पड़ेगा कि असी इस कोरोना के नाल किवें लड़ना, सानू अपनी जिहड़ी एक इच्छा शक्ति है उन्नू बताना पड़ेगा। तो दूसरा जिहड़ी सरकार दी कोविड दी गाइडलाइनस ने उन्हां नू भी मजबूत तरीके दे नाल उन्हां दा पालन करना होगा जिस नाल कि इस कोरोना दे नाल लड़िया जा सके। बिल्कुल हरप्रीत, जिस तरह के डब्ल्यूएचओ के जड़े मुखी ने उन्होंने बयान भी सामने आया कि हले कोरोना जड़ा है वह खत्म होने वाला नहीं है, हालांकि कोशिश लगातार की जा रही है कि वध तो वध लोगों तक वैक्सीन जड़ी है वो मुहैया कराई जाए, तो लोग जड़े ने वैक्सीनेशन जरूर लगाउण। पर इस विचकार जिस तरह के नाल सरकार इत्थे फैसले लै रही है इसनों लैके भी कई तरह के सवाल ने, क्योंकि जिस तरह के नाल हुण माहर भी कह रहे हैं कि फरवरी तो बाद एकदम जड़े मामले ने वो तेजी के नाल वध रहे हैं। बेशक हुण सरकार कई अहम फैसले लै रही है, पर जरूरत सी कि पहला भी सरकार गौर करती ते कई अहम होर फैसले सरकार ले सकती सी पहला भी। जी बिल्कुल, सरकार नूं शायद जरूरत थी कि जिस तरीके दे नाल होली तो पहला ही थोड़ी जी कड़ाई दे नाल पालन कराए जांदे ते शायद कोविड दा जिहड़ा इन्ना ज्यादा असर देखण नूं मिल रहा है यह ना मिलता। इसे करके लोगों का जिहड़ा गुस्सा भी है कि सरकार सिर्फ अपने इलेक्शन च बिजी रही, सरकार का जिहड़ा टीचा सी या सरकार दा जी सरकार ने और बच्चे भी इससे आगे बढ़ जाते फिर, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जा रहे हैं या उनके बारे में फिलहाल ना कराने का फैसला लिया गया है 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के बारे में। लाखों करोड़ों लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे, हम भी पिछले 4-5 दिन से लगातार इसको उठा रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जाएँ, आज उस बारे में फैसला लिया गया है, हमें खुशी है कि बच्चों के हित में फैसला लिया है। सर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बोला है, उन्होंने कहा है कि
जो भी प्रमोट होंगे इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से, अगर उनको सर्टिफिकेट नहीं है तो दोबारा भी एक तरीके से वो परीक्षा। ये टेंथ के बारे में बोला है, ट्वेल्थ के बारे में भी ये निर्णय ले सकते थे। ट्वेल्थ के बच्चे भी उतनी ही एंग्जाइटी उतनी अनसर्टेनिटी में हैं, अगर ट्वेल्थ के बारे में भी ये फैसला ले लेते तो और अच्छा होता। अपील करना चाहते हैं ट्वेल्थ? बिल्कुल, मैं अपील करना चाहूँगा कि ट्वेल्थ के बच्चों की भी एंग्जाइटी खत्म कर दें और उनके भी असेसमेंट्स जो अभी तक इंटरनल असेसमेंट्स हुए हैं या प्री बोर्ड हुए हैं उन सब के बेस पर उनको भी प्रमोट किया जाए। पेरेंट्स को भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहता हूँ कि और बच्चों को भी कि अब जबकि एग्ज़ाम दसवीं के कैंसिल हो गए हैं या बारहवीं के एग्ज़ाम अब आगे बढ़ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि कोरोना कम हो गया है, बच्चे बाहर ना जाएं, बच्चे ऐसा नहीं है कि शॉपिंग करने या मार्केट में निकल जाएं या बच्चे घूमने निकल जाएं, बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर पे रहें, सबके लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर पे रहें। उप मुख्यमंत्री ते सिक्ख्या मंत्री मनीष सिसोदिया वालों केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि लगातार दिल्ली सरकार वालों भी यह मांग की जा रही थी, कई बार जिक्र भी किया गया सी, क्योंकि जिस तरह दे नाल दिल्ली की भी जो गल की जाए तो तेजी नाल मामले जड़े ने वध रहे हैं, वड्डी गिनती विच रोजाना वड्डी गिनती विच मामले जड़े ने पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। इस नूं लैके जो केंद्र सरकार ने हुण प्रीख्यावां जो रद्द कीतियां ने दसवीं दी सीबीएसई दी, इस नूं लैके इस फैसले का स्वागत किया है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार वालों भी जरूर लगातार इस गल से जोर दिता जा रहा है, सूबा सरकार भी जिस तरह के नाल कई अहम फैसले अपने पद्धर से लै रही ने। हाल ही में दस दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों सूबों के मुख्यमंत्रियों नाल मीटिंग की गई है, तो अज शाम 6:30 बजे तमाम सूबों के राज्यपाल के नाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग करन जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू इस मीटिंग के मौजूद रहेंगे, तो अज शाम मीटिंग भी चर्चा की जाएगी। तमाम जो सूबे ने जिस तरह के महाराष्ट्र है पंजाब है वड्डी गिनती विच रोजाना मामले सामने आ रहे हैं, इस नूं लैके कई होर अहम फैसले आने वाले समय विच सरकार वालों लाए जा सकते ने। तो फिलहाल जो एक अहम खबर कि सीबीएसई के दसवीं के जो इम्तिहान ने वो रद्द कर दिए गए ने, हरप्रीत लगातार बने हुए ने। हरप्रीत, जिस तरह के नाल मनीष सिसोदिया की असी गल इतने सुनी है, वह भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों के इतने हित नूं देखते हुए सुरक्षा नूं देखते हुए फैसला लिया है, पर जाहिर तौर पर यह भी मांग की जा रही है कि बारहवीं के जिहड़े एग्जाम ने वह भी रद्द किए जा सकते सीगे, क्योंकि जिस तरह के नाल माहर भी कह रहे हैं कि हाले कोरोना जिहड़ा है वह जल्द खत्म नहीं होएगा, बेशक मुलतवी किए गए ने पर टेंशन जरूर है विद्यार्थियों लिए। जी बिल्कुल, देखो जिस तरीके दे नाल अजे तक सरकार ने जो कदम चुके ना उन्हां च एक गल ते मनी जाए कि सरकार हुण जाके समझ आ रही है कि सरकार ने की कदम चुकने ने। हुण सरकार ने दसवीं दे जिहड़े पेपर ने उन्हां नूं कैंसल कीता, बारहवीं दे फिलहाल पोस्टपोन कीते ने, लेकिन जेकर शायद सरकार थोड़ा जिहा पहलों जागदी ते इह मेहनत शायद थोड़ी जी सरकार नूं करनी पैंदी, लेकिन इन्ने हालात खराब नहीं हुंदे। सरकार का ध्यान जिहड़ा जिकर, क्योंकि इह तुसीं अगर आम मानस दी भी देखो ते सब लोकां दे दिमाग च इह गल हैगी है कि कोविड जिहड़ा है या कोरोना जिहड़ा है उह सिर्फ आम लोगों लिए जिहड़े जिथे इलेक्शन हो रहे हैं कि उत्थे कोरोना नहीं, उन्होंने हालातों के जेकर सरकार पहला जागती शायद इना जिहड़ा हालात ने इन्ने नहीं विगड़े, क्योंकि कल के जेकर अच्छे बंगाल के देखते 4,000 तो वह उत्थे भी केस सामने आए हैं। कुंभ की गल करिए तो कुंभ च 500 तो वह एक दिन च उत्थे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। उन्होंने हालातों के जेकर बच्चे स्कूल जाएंगे तो बच्चों वास्ते भी हालात उन्ने ही ज्यादा खराब होंगे जिन्ने किसी आम वास्ते हो सकते हैं, तो बच्चों लिए रिस्क जिहड़ा वो होर ज्यादा हो जाएगा। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ना चीख चहाड़ा ना धर्म का विवाद, इस मंच से बेपरदा होंगे सियासी मुफाद साढ़े लिए हर आम भी है खास। जनता की गल सरकारां दे क्यों ना आवेना, विचारां दी तकरार, तकरारां वाले विचार, तिखे शब्दां दी तलवार। वेखो पीटीसी न्यूज ते विचार तकरार मेरे नाल हर रोज रात 8 बजे। We'll be right back.
ना चीख चहाड़ा ना धर्म का विवाद इस मंच से बेपरदा होंगे सियासी मुफाद साढ़े लिए हर आम भी है खास जनता की गल सरकारां दे क्यों ना आवे ना विचारां दी तकरार तकरारां वाले विचार तिखे शब्दां दी तलवार वेखो पीटीसी न्यूज ते विचार तकरार मेरे नाल हर रोज रात 8 बजे ना चीख चहाड़ा ना धर्म दा विवाद इस मंच ते बेपरदा हुंदे सियासी मुफाद साढ़े लिए हर आम भी है खास जनता की गल सरकारां दे क्यों ना आवे ना विचारां दी तकरार तकरारां वाले विचार तिखे शब्दां दी तलवार वेखो पीटीसी न्यूज ते विचार तकरार मेरे नाल हर रोज रात 8 बजे ब्रेक तो बाद स्वागत है। सीबीएसई के 10वीं के इम्तिहान रद्द कर दिए गए ने जबकि 12वीं के इम्तिहान मुलतवी किए गए ने। कोरोना के बढ़ रहे खतरे के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। 12वीं के इम्तिहाना बारे 1 जून नूं समीक्षा की जाएगी। उस तो बाद तुहानूं दस दिए कि फैसला लिया जाएगा इम्तिहानां नूं लैके ते इम्तिहानां तो 15 दिन पहला विद्यार्थियों नूं सूचित किया जाएगा जबकि 10वीं के विद्यार्थियों नूं स्कूलों वालों अंदरूनी मुलांकन के आधार से ही प्रमोट किया जाएगा। संतुष्ट न होने की सूरत में विद्यार्थी बाद में होने वाली परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। साढ़े नाल गलबात लई जगजीत जी जुड़ चुके ने, प्रेजिडेंट ने पंजाब फैडरेशन प्राइवेट स्कूल दे, उन्होंने नाल गलबात कर दिया। ता जगजीत जी तुसी केंद्र सरकार दे इस फैसले नू किस तरह दे नाल देखते हो ते पंजाब सरकार तो भी की मांग करदे क्योंकि लगातार कोरोना मामले वध रहे ने ते सरकार जड़ी है वह कई अहम फैसले लै रही है। जी देखो जिहड़ा इह विद्यार्थियों दा बिना पेपर लै प्रमोट करन दा फैसला असीं इहदा बिलकुल विरोध करदे हां। पहलां वी असीं विरोध कीता सी जिहड़ियां प्रीख्यावां लै बिना छोटिया क्लासा के विद्यार्थी प्रमोट कर दिते ने इन्होंने क्योंकि इहदे नाल विद्यार्थी के जीवन दे विच एक इहो जी क्लास जिहड़ी उसने नर्सरी स्टैंडर्ड तो स्टार्ट की सी 10th दे विच उसका बोर्ड एग्जामीनेशन होना सी खास तौर पर सीबीएसई वालों। अगर वह बोर्ड एग्जामीनेशन ही नहीं होगा तो वह सारी जिंदगी विद्यार्थी अपने आप को अधूरा मनूगा ना उहदे विच उह कॉन्फिडेंस बिल्टअप होना विश्वास नहीं उस दे विच वजना उसका ना ही पेरेंट्स नूं कोई विश्वास वजना क्योंकि कितने ना कितने यह गल हुंदी सी लोगों के मनां दे विच। बाकी सारे एग्जामीनेशन ने जिहड़े उह स्कूलों दे विच हो जांदे ने परंतु बोर्ड एग्जामीनेशन बच्चे की रीयल पिक्चर पेश करता सी जिहदे आधार ते जिहड़े मापिआं ने ते विद्यार्थियों ने फैसला लैणा हुंदा सी मैं अगे किहड़ी स्ट्रीम लवां। सो इस लई मेरे मुताबक यह पेपर लैने बणदे सी हुण तक लै लैणे चाहीदे सी क्योंकि बाकी सारे स्कूल बंद सी सिर्फ 10th दे विद्यार्थी जिहड़े कि कुल स्ट्रेंथ दा 5% हिस्सा हुंदे ने
इन्ने घट विद्यार्थियों पूरे स्कूल दे विच दूर दूर बिठा के गाइडलाइन फॉलो करके भी पेपर ले जा सकते सी। सो असी तां इस फैसले नूं गलत मानदे हां जी, और नाल ही इस फैसले नूं भी गलत मानदे हां कि जिहड़े विद्यार्थियों के पेपर 10+2 दे हुण अगे जा लै गए ने इह जून तक, वह विद्यार्थियों का तुसीं समझो एक साल खराब हो जाऊगा। पंजाब दे विचों बहुत वड्डी गिणती जिहड़ी विद्यार्थियों की वह फॉरन कंट्रीज नूं भी जांदी है, क्योंकि जिहड़े विदेशों दे विच बहुत बच्चे जा रहे हैं। सो उन्हां विद्यार्थियों लई इह एक होर वड्डा धक्का होगा, क्योंकि इन्ने लंबे तो बाद फिर पेपर कदों होणगे, रिजल्ट कदों आऊगा, हरेक बच्चे दे जीवन दे विच एक साल उन्हां दा लगभग खराब होण जा रहा। सो असीं इह बिल्कुल फैसले दा विरोध करदे हां जी, फैडरेशन पद्धर दे इस नूं चंगा नहीं समझ रही। बिल्कुल शुक्रिया सर गलबात लई। तां सिक्ख्या माहर जगजीत जी साडे नाल जुड़े होए सन, जिन्हां दा कहना है कि वह इस फैसले का विरोध करते हैं, क्योंकि एग्जाम जिहड़े ने पेपर जिहड़े ने बहुत जरूरी ने, जिस तरह दे नाल प्रमोट करन दी इत्थे दसवीं दे विद्यार्थियों नूं गल आखी जा रही है, इस नूं लैके जरूर इत्थे नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। फिलहाल इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही, बने रहो पीटीसी न्यूज़ नाल, इजाजत दो, धन्यवाद।